उनका जन्मदिन है। हाय गाइस, हम लेके आए आपके लिए प्यारा सा ब्लॉग, ब्लॉग में बने रहना एंड तक। तो गाइस, रेवंदा ने खरीद लिए माला और अब जा रहे हैं हम स्वागत के लिए। बने रहना तब तक हमारे ब्लॉग में आप, और देखते रहिए हम आगे आपको कहाँ लेके जाते हैं। ये माला खरीद लिए, कहाँ के लिए माला? अजारा की है ना। तब तक बने रहिए हमारे ब्लॉग में। ये आ गया घंटाघर और हम घूम रहे हैं राइट में। हाँ, गुड़िया बोल रही पीछे से पापा पापा, आगे आ रही बारिश, फिर भी हम बारिश में नहीं रुक रहे हैं। और हम हमारे साथ है बहुत खास आदमी, देखे गाइस यहाँ पे है बहुत खतरनाक बारिश। और यह है बम्बोर गेट, बम्बोर दरवाजा। तो हम दिखाते हैं आपको थोड़ी सी देर में, जस्ट जा रहे हैं, तब तक बने रहिए हमारे ब्लॉक में एंड तक। तो गाइस, भगवान ने लिए हमारे नाश्ता, हम भी रह गए बेचारे। क्या वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, इनका सामान चल रहा है, घुमा कर घुमा के बाद उतर जाते हो आप लोग। ये बात वो करेंगे, ये सामान कर रहे हैं, ये बात बनाएंगे। मैं बात बना होगा, देखो हमारी बड़ी बहन कुछ बोल सकती है, हम कुछ नहीं बोल सकते उनके लिए। मत भाई सब एक गया तीन बार रोटी खाऊ, छोड़ दे दल में क्या बार। आज हमारे भगवान जी का जन्मदिन है, इस कक्ष में हम आए। वीडियो चल रही सर, वन था खड़ी आओ, देखते रहिए। ये हमारी खास मतलब दिल के नज़दीक है, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। और इनके घर पे आज इनका जन्मदिन, सबका जन्मदिन था, तो जन्मदिन मनाने आए हम। और ये हमारी गुड़िया कर रही है मजा। हाय करो, हाय हाय। कोई बनेगी पुलिस ऑफिसर है ना, इनके जैसे बनेंगे इंदू भी। तो यहाँ पे अब केक काटने की तैयारी चल रही है, पहलवान जी हो चुके बिल्कुल रेडी तैयार। और ये बनता, और बड़ी बहन का पिता जी ओम जी, थोड़ा जल्दी करो केक, इतने धीरे निकलते। हाँ सही सर, मैं दिखाता हूँ आपको केक। और इनका नाम मैं दिखा देता हूँ सर का, अब आप सब पढ़ लेना क्योंकि बोल गए मैं बताऊंगा नहीं, जो मैं करके दिखा दिया। और अब है केक काटने की बारी, पहलवान जी काट रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो सर काट रहे केक और आप सब आओ भाई केक खाने। हेलो दोस्तों, आप सब आए, आइए सर के बर्थडे पे। आपकी तो केक काट चुके हैं सर जी, और केक एंट्री हो चुकी है मुख्य अंदर। बेसब्री से इंतजार था, हम बैठे हुए थे, आप सबको भी था कि गुड़िया का के। और सर खिला रहे गुड़िया को, खाना मिठाई मिठाई गंदी 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 बस 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 बहुत हो गया। ये हमारी बड़ी बहन कपिला जी जो सर को केक खिला चुकी है, बिल्कुल राजस्थान जो इसकी गौरव है। सही बात है, जो आप ब्लॉग में देखते रहते हो रेवंता, तो सर अब मेरा नंबर आ गया। बुढ़े केक निकलाएगी सर को, केक निकलाएगी आपको पता है, यहाँ से दिखता है पूरा पुलिस लाइन का नजारा। और ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, रसिया जी की छतरी दिख रही है आपको, ये देखो रसिया की छतरी दिख रही होगी आपको। ये हमारे टोंक जिले की शान है, और यहाँ पे प्लेट है, यहाँ पे हम एक बैठी है गुड़िया।
ये है बादाम का पौधा और साहब के लिए बहुत दूर से मंगाया, बहुत दूर से मंगाया गया है। और आज उनका जन्मदिन है और जिस तरह बादाम होती है उस तरह साहब मीठे हैं, बहुत बिल्कुल मीठे, ईमानदार और सच्चे इंसान। बिल्कुल बिल्कुल जन्मदिन की याद में ये और तो सभी करते काम ऐसा करेंगे हमेशा याद रहेगा। आज इनके जन्मदिन है इसलिए इसका पौधा लगाया जा रहा है अपने ट्रैफिक ऑफिस में पौधा लगाया जा रहा है और ये पौधा रोपण का कार्य चल रहा है। फल तो काम चल रहा है। जैसे बड़ी बहन सरपंच कपिता जी, रेवंता जी और मैडम जी, पुलिस में और सभी कैडी लगाए, सभी बढ़िया बढ़िया पेड़ लगाए, हरियाली पौधे लगाए, पौधे लगाए, हरियाली अच्छा है, अच्छा रहेगा। और अब साहब भी बोलेंगे इनके जन्मदिन पर काट लो पेड़ भी लगा, केक भी काट लो। जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी भाई लोग, सरपंच साहब, सभी महिलाएं पुरुष सभी पधारे और मेरे हाथों से पौधा लगवाया, बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं तो सभी से निवेदन यही करूँगा कि पौधा लगाएं, अच्छा है, हरियाली होगी, हरियाली राजस्थान होगा बढ़िया। साहब का सपना है कि प्रत्येक पुलिस वाला का जन्मदिन है तो लाइन में जितने भी हैं कभी भी उनका बर्थडे है एक पौधा उससे लगाए, पौधा लगाए। हम नहीं कहते 11 लगाओ, अब जन्म उपलक्ष्य पर एक पौधा लगाए वो काफ़ी है। सभी जवानों से जिसका बर्थडे हो पौधा लगाए। बिल्कुल राम साई जी मामा श्री हमारे बोल रहे हैं। शनिवार साहब है, उनका जन्मदिन है तो इनके जन्मदिन पे इन्होंने एक अच्छी पहल चालू करी है कि प्रत्येक व्यक्ति को वैसे तो बिना जन्मदिन के अलावा भी पौधा लगाना चाहिए, बाकी इन्होंने आज एक पौधा रोपण करके अच्छा सराहनीय कार्य किया है जो हम अपने लिए सबसे अच्छी बात है। और सभी से मैं कहना चाहूँगा कि सभी व्यक्ति मिलकर अपने परिवार में तो सभी से एक पौधा लगवाने की अपील करें और पौधा लगवाएं। हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत। साथ ही साथ में सरपंच साहब बता रहे मुकेश जी कहाँ, ये भी आ चुके हैं, ये आए नहीं, इनको बुलाया गया तब आए। और बिल्कुल बने रहिए ब्लॉग में आगे तक, एंड तक, बहुत अच्छा कार्य है। और साहब के ऑफिस में हम बता रहे हैं साहब को बधाई देने बहुत ज़्यादा, ये गुड़िया खेलने लग गई यहाँ पे है ना। सरपंच साहब आ गए तो कालू भाई बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाय गाइज, अब हम ओम जी से पूछते हैं कि हम मतलब कहाँ जाके हैं, कैसा स्वभाव लगा उनका, तो ओम जी बताओ। आज हम पुलिस लाइन पार्क में गए थे, कुलदीप जी पहलवान हैं, हमारे ट्रैफिक पुलिस में हैं, बहुत अच्छे आदमी, इस वजह से हम यहाँ आए थे। उनका जन्मदिन था आज, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हमने एक पौधा लगाया है बढ़िया बादाम का, तो उनकी ईमानदारी के लिए, तो बहुत अच्छे आदमी हैं। और अब सरपंच साहब का ही कहो, कैमरामैन दीजिए एक मिनट, सरपंच साहब का ही बोलो चाहूँगा के लिए। सरपंच साहब बताओ, कचान मतलब कचान का स्वभाव लगे पहलवान जी को। आज हम भरत भैया और हमारे ये गुड़िया, बोलो साहब आप भी बोलो, हम यहाँ, इनका आज बर्थडे था, किनका, पहलवान जी साहब का बर्थडे था ट्रैफिक के अंदर। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा सरल स्वभाव है उनका, बहुत अच्छा व्यवहार लगा, बहुत अच्छी हमारी खातिरदारी की उन्होंने और हम सब मिल गए उनके जन्मदिन के लिए एक बादाम का पौधा भी लगाया और उन्होंने हमारी बहुत अच्छी स्वागत किया, बहुत अच्छा व्यवहार दिखा उनका, अच्छा लगा। मतलब कुलदीप जी का व्यवहार देख के आपको क्या लगता है, मतलब लगता क्या है कि उनको वो हेड कांस्टेबल से मतलब पदोन्नति करके किस पद पे जाएं? वो और ऊंची पोस्ट पर जाए, इस पोस्ट से भी और ऊंची पोस्ट, क्योंकि बहुत ईमानदार आदमी है तो इसी लेवल पर। हम उनको छोटे छोटे से देखते हैं, आज हम बड़े हो गए, वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे हैं। सन 1999 से यहाँ टोंक में सेवा दे रहे हैं और आज भी बहुत मतलब उनकी ईमानदारी की दाग देते हैं लोग बाग। तो गाइज
हम आए हैं पहलवान जी के कुलदीप जी सिंह सन्यार उनके जन्मदिन पर, वह उनके घर पे गए, केक काटा, उन्होंने उनको साफा बनवाया और फिर ट्रैफिक ऑफिस में जाकर टोंक पुलिस लाइन ट्रैफिक ऑफिस में जाकर वहाँ पे पौधारोपण किया, बादाम का पेड़ लगाया कि उनकी याद में, कि हमेशा याद रहे कि ये कुलदीप जी के जन्मदिन पर लगी हुई है। और पिछले में कई दिनों से, कई सालों से यहाँ देख रहा हूँ, जब से मैं टोंक में रह रहा हूँ तब से देख रहा हूँ पहलवान जी को, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका ये व्यवहार देख कर, उनका कार्य करने का तजुर्बा देख कर, मतलब उनको हेड कॉन्स्टेबल से अच्छी पदोन्नति पर हो तो अच्छा रहे, और काफ़ी अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ में भी दुर्व्यवहार नहीं करते हैं वो, सबको समान समझने वाले एक जिम्मेदार इंसान है। बस